हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. गुड मॉर्निंग धीरज, शावक, उत्कर्ष, प्रिंस, ब्रिजेश. गुड मॉर्निंग बच्चे. तो चलिए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स की एक खबर से. कल आपका आईपीएल का फाइनल था और आईपीएल का फाइनल 2023 का जो फाइनल है बच्चे, वो जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने. ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है आपकी जीत गई है. किसे हराने के बाद में? गुजरात टाइटेंस को हराने के बाद में. ठीक है, और ये जो है आपका चलिए ठीक है. तो बच्चे अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल जो है आपका 2008 में शुरू हुआ था, 2008 में शुरू हुआ था. और जो इनोग्रल जो आपका सेशन था, सबसे पहला जो एडिशन आपका खेला गया था, उसमें आपका राजस्थान रॉयल्स टीम थी, उनके द्वारा जो है पहला आईपीएल जीता गया था. तो पहले आईपीएल के विनर जो है बहुत बार पूछा जाता है, आईपीएल कब शुरू हुआ था वो पूछा जाता है. हाल के विनर के नाम आपको याद रखना है. फाइनल जो है आपका कौन कौन सी टीमों के बीच खेला गया. ठीक है, चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन्स के बीच में जो है इस बार का 2023 का फाइनल खेला गया. ठीक है, फाइनल मैच आपका कहाँ पर हुआ है ये आप मुझे बताएंगे कि फाइनल मैच आपका कौन से ग्राउंड पर हुआ है, कौन से मैदान पर हुआ है. ठीक है, दूसरा बच्चे अभी तक जो आपके आईपीएल सबसे ज़्यादा बार जीते हैं वो आपकी दो टीमें हैं. एक तो आपका मुंबई इंडियंस है, इन्होंने भी 5 बार जीता है, और एक आपका जो है चेन्नई सुपर किंग है. ठीक है, चेन्नई सुपर किंग का जो ये वाला जो आपका खिताब था ये आपका 5th था. तो दोनों के अभी जो आपका चेन्नई सुपर किंग है और जो आपकी मुंबई इंडियंस है बच्चे, दोनों के आपके क्या हो गए हैं, दोनों के 5-5 टाइटल हो गए हैं आईपीएल के. ठीक है, तो ये दो टीमें ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जो है आपके आईपीएल जीते हैं. और हर साल खेले जाने वाला आपका क्या है, एक प्रीमियर लीग है जिसमें कि बहुत सारी कंट्री के जो क्रिकेटर हैं उनकी पहले ऑक्शन होती है, उनकी जो है की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है उन पर. उसके बाद जो है वह यहाँ पे एक इंटरटेनमेंट के लिए आपका है, प्रीमियर लीग है और इनके द्वारा खेला जाता है. ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद. वेरी गुड. पहला ये वाला जो आपका फाइनल हुआ है बच्चे ये कहाँ पे खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद में है. पहले उसका नाम जो है आपका वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया था, या मोटेरा स्टेडियम उसे कहते हैं, और अभी जो है उसका नाम जो है बदल दिया गया है, बदल करके जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है. तो वहाँ पर बच्चे आपका ये फाइनल खेला गया. ठीक है, और भारत में जो है आपका क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड भी है आपका अहमदाबाद वाला. ठीक है, अगला अवार्ड से रिलेटेड है आईफा. आईफा की अनाउंसमेंट हो गई बच्चे. आईफा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स. ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड. और ये जो आपका आईफा इस बार हुआ है इसकी सेरेमनी बच्चे कहाँ पे हुई है? ये इस बार हुआ है आपका दुबई में. ठीक है, कहाँ पे हुई इसकी सेरेमनी? दुबई में हुई. और यहाँ पर आपको सिर्फ 2-3 कैटेगरी याद रखनी है, जैसे कि आप बेस्ट फिल्म याद रख सकते हैं कि इस पुरस्कारों में आपका सबसे अच्छी बेहतरीन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला वो मिला है दृश्यम 2 को. ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर बच्चे आपका मिला आर माधवन को. कौन सी मूवी के लिए? रॉकेट्री के लिए, रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट. ठीक है, इस मूवी के लिए जो है आपका आर माधवन को डायरेक्शन के लिए बेस्ट डायरेक्टर या फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला. उसके बाद है आपका बेस्ट एक्टर. ठीक है, फीमेल, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं उसका पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को, उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए. और बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है बच्चे ऋतिक रोशन को, उनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए. ठीक है, उसके अलावा जो है आपका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, ये आपका एक स्पेशल बच्चे आपका पुरस्कार होता है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा. ठीक है, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आपका ये आउटस्टैंडिंग पुरस्कार दिया गया है. किसे? कमल हसन को. ठीक है, कमल हसन को ही. तो इन कैटेगरी के विनर्स जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है. ठीक है, बेस्ट फिल्म याद रखिएगा दृश्यम 2 को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर का जो है नाम इंपॉर्टेंट है आर मधुवन, इनका नाम याद रखिएगा. बाकी आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन तो आपको याद हो ही जाएंगे, लेकिन ये दो आपके दो कैटेगरी हैं, बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट फिल्म का, इसे याद रखिएगा. ठीक है, गुड मॉर्निंग साई, गुड मॉर्निंग बच्चे. चलिए अगला भी आपका सिनेमा से रिलेटेड ही आपका एक फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसे हम कान फिल्म फेस्टिवल कहते हैं. कान फिल्म फेस्टिवल बच्चे इसका आयोजन किया जाता है फ्रांस के कान शहर में. ठीक है, और 2023 का जो ये आपका
2023 का आपको जो फिल्म समारोह रहा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे कैटेगरी होती है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी में आपको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जो कैटेगरी आपको याद रखनी है वो है आपकी पामे दियोर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पामे दियोर जो है आपका, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी मानी जाती है। और इसमें बच्चे इस बार मिला है निर्देशक के लिए आपका दिया जाता है, और निर्देशन के लिए जस्टिन ट्रेट्स, ठीक है, जस्टिन ट्रेट्स इनका नाम है, जस्टिन ट्रेट्स को इनकी एक मूवी है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, इस मूवी के लिए जो है आपका इन्हें जस्टिन ट्रेट को पाम डी ओर जो है आपका सम्मान दिया गया है। कहाँ पे? कान फिल्म फेस्टिवल। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, सारी की सारी याद रखने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, कान फिल्म फेस्टिवल में आपका पामे डी ओर किसे दिया गया है? जस्टिन ट्रेट को दिया गया है। ठीक है, अगला भी बच्चे एक पुरस्कार है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार माना जाता है, वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो 57th एडिशन इस बार रहा, 57 जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया है बच्चे आपका दामोदर मोजो को। किसे दिया गया है? दामोदर मोजो को दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो ये बच्चे आपका कोंकणी की राइटर है, ठीक है, भाषा इनकी कोंकणी है, कोंकणी में लिखते हैं ये, और स्टेट है इनका गोवा। ठीक है, तो यहाँ के आपके राइटर हैं, और इन्हें जो है आपका इनके उपन्यासों के लिए, इनकी कृतियों के लिए जो है आपका ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ये बच्चे कौन कौन सी विधाओं में लिखते हैं? देखिए, लघु कथाकार हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, उसके अलावा नोवेलिस्ट है, उपन्यास भी लिखते हैं, क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, और स्क्रिप्ट राइटर हैं कोंकणी भाषा में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है विधाओं में ये काम करते हैं, इनके जो इनका जो लिटरेचर है वो इन सारी विधाओं में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बच्चे अगर हम गोवा की बात करें, तो गोवा से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले, गोवा से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो मोजो हैं, दामोदर मोजो हैं, ये आपके दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन से व्यक्ति हैं? दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले 2008 में रविंद्र केलेकर को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इससे पहले 2008 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है गोवा से, वो दिया गया था रविंद्र केलेकर। उसके अलावा बच्चे मोजो जो आप जो दामोदर मोजो हैं, इनकी एक उपन्यास है बहुत फेमस है, कार्मेलिन। ठीक है, कार्मेलिन, ये जो कार्मेलिन इनका उपन्यास था, इसको इन्हें जो है आपका 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो आपके बहुत फेमस कृति है, अब देखिए जो ज्ञानपीठ दिया जाता है, ज्ञानपीठ जो आपका दिया जाता है, वो पर्टिकुलरली उसमें कोई एक बुक नहीं आएगा, क्योंकि उनके जो पूरा उनका जो लिटरेचर होता है, उनके द्वारा लिखा गया जो पूरा का पूरा साहित्य होगा, उसे ही जो है आपका एक सामूहिक तौर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो आपकी फेमस बुक है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, उनका उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम है कार्मेलिन। तो ऐसा भी आपका प्रश्न बन सकता है कि कार्मेलिन जो है आपका वो कौन से राइटर के द्वारा लिखी गई है, तो कार्मेलिन बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत फेमस उपन्यास है, नोवेल है, और इसे लिखा है दामोदर मोजो ने। ठीक है, और दामोदर मोजो कौन है बच्चे? ये जो है आपका जो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड है, 57th जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसके विजेता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पुरस्कार है, और ये जब तक दोबारा नहीं मिलता है तब तक आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, दामोदर मोजो याद रखिएगा, और भाषा भी याद रखिएगा साथ में, कभी कभी जो है भाषा भी पूछ ली जाती है, गोवा स्टेट से बच्चे इनका संबंध है, और भाषा है इनकी कोंकणी, कोंकणी में आपका ना लिटरेचर लिखते हैं। ठीक है, कोंकणी में लिखते हैं। हाँ, रॉकेटरी बहुत अच्छी मूवी है। अगला एक गवर्नमेंट स्कीम याद रखिएगा, स्कीम तो प्रॉपर है नहीं पर एक इनिशिएटिव है। ठीक है, एक पहल है आपकी, इसका नाम है बच्चे इम्प्रिंट इंडिया स्कीम। ठीक है, इम्प्रिंट इंडिया स्कीम। अब ये इम्प्रिंट इंडिया स्कीम ये जो है एक्रोनिम है किसी एक बड़े वाक्यांश का, ये जो है आपका संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चे? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लिक कर गया होगा कि ये जो स्कीम है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपकी रिसर्च से, ये रिलेटेड है आपकी इनोवेशन से, ये रिलेटेड है आपकी टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत पहले तो ये जान लीजिए कि ये आपका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा लाई गई है। तो इसे बच्चे लाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा इसे लाया गया है, विद कोलेबरेशन
एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, भारत में जो मानव संसाधन विकास का जो मंत्रालय है उनके साथ में कोलैबोरेशन में आपका साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। और इस पहल के तहत बच्चे आपका क्या किया जाएगा, इस पहल के तहत जो है आपका प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करके देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत किया जाएगा, ठीक है। तो वही है, रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड है, R&D से रिलेटेड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इंजीनियर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इंजीनियरिंग को कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए, अपग्रेड किया जाए, उस चीज़ से रिलेटेड बच्चे आपका ये इनिशिएटिव है, याद रखिएगा इम्प्रिंट। और इसमें जो है आपका मेन मेन जो वर्ड है, जैसे कि R का मतलब याद रखिए, R का मतलब है रिसर्च, I का मतलब है आपका इनोवेशन और T का मतलब है आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीन ही चीज़ें हैं, इन तीनों ही चीज़ों के लिए जो है आपका ये इनिशिएटिव लाया गया है। डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है, इसका उद्देश्य याद रखना है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो याद रखना है, ठीक है, बस इतना। और नाम याद रखना है इम्प्रिंट, ठीक है। अगला बच्चे एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सुदर्शन शक्ति 2023, सुदर्शन शक्ति 2023। ये जो है आपका कि ड्रिल है और इसका आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। इंडियन आर्मी की आपकी कमांड है सप्त शक्ति नाम से, ठीक है, इंडियन आर्मी की आपकी कमांड है सप्त शक्ति के नाम से, उनके द्वारा बच्चे आपका एक अभ्यास ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल का नाम है आपका सप्त शक्ति 2023 और इन्होंने ये आयोजन कहाँ पर किया है, वेस्टर्न बॉर्डर इन राजस्थान एंड पंजाब। पंजाब का जो बच्चे, पंजाब और राजस्थान का जो पश्चिमी बॉर्डर है, पश्चिमी बॉर्डर मतलब समझते हैं ना, पश्चिमी बॉर्डर मतलब पाकिस्तान वाला बॉर्डर, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में राजस्थान और पंजाब में जो आपका बॉर्डर आता है, उस बॉर्डर पे आपका जो है सुदर्शन शक्ति का अभ्यास किया गया। और इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या किया गया, इस अभ्यास का उद्देश्य सेना को नए युग की तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है, ठीक है, और एक आधुनिक दुबले और फुर्तीले लड़ाकू संयोजन में बदलना है, ठीक है। समझ रहे हैं, जो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे आर्मी में, हमारे आर्मी पर्सनल जो है उनका फायदा कैसे उठाए, एक अच्छी सेना कैसे तैयार हो सके, इस चीज़ के लिए आपका एक ड्रिल किया गया। इसमें कोई और कंट्री नहीं है, ठीक है, जो सुदर्शन शक्ति है इसमें बच्चे कोई और देश भाग नहीं लेता है, ये हमारी सेना का अपनी तैयारियों को जो है दुरुस्त करने के लिए, अपने आप को जो है और बेहतर बनाने के लिए का अभ्यास ड्रिल है सुदर्शन शक्ति 2023, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई और कंट्री नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आर्मी की कौन सी फोर्स के द्वारा जो है इसे किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, इंडियन आर्मी की कमांड कौन सी है, सप्त शक्ति है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडियन आर्मी आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा। और हुआ कहाँ पे है, राजस्थान और पंजाब का जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, पश्चिमी बॉर्डर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इस तरीके की ड्रिल आपको भी करनी चाहिए हफ्तों में एक दो बार, ठीक है, खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगला एक एग्रीमेंट याद रखिएगा, एक एग्रीमेंट बच्चे हुआ है नेपाल और इंडिया के बीच में। अब देखिए, जो SGVNL है, SGVNL का नाम सुना है, कभी कभी फॉर्म भी आते हैं इसके, आपने सुना होगा इसका नाम, सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, SGVNL। SGVNL बच्चे क्या करता है, ये जो है आपका डैम कंस्ट्रक्ट करता है ना, डैम को बनाता है और उसके बाद में उसे ऑपरेट भी करता है ना। तो SGVNL जो आपका विद्युत निगम है, इनके द्वारा जो है आपका नेपाल में ऑलरेडी बच्चे एक आपकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू की जा रही है, संचालित की जा रही है, ठीक है, ऑलरेडी एक चल रही है इनकी, कहाँ पे, नेपाल में। भारत, नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक समझौता साइन हुआ, किस चीज़ को लेकर के, कि हमारी जो एक कंपनी है, जल विद्युत निगम है जिसका नाम है सतलज जल विद्युत निगम, इनके द्वारा बच्चे आपका एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है आपका शुरू किया जाएगा, कहां पे, नेपाल में। तो ऑलरेडी जो है आपका SGVNL ऑलरेडी जो है वहां पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो है आपका चला रहा है, ठीक है। कौन सा वाला है, यहां पे बच्चे एक रिवर बहती है आपकी अरुण नदी, ठीक है, ये आपके नेपाल में बहती है अरुण नदी। इस अरुण नदी पर जो है आपका एक रन ऑफ द रिवर जो है आपका डैम वो कंस्ट्रक्ट किया गया है SGVNL के द्वारा, उसे ऑपरेट किया जा रहा है इनके द्वारा, ठीक है, अरुण 3 के नाम से। और अब जो है आपकी ये ऑलरेडी बनाया जा रहा है और ये आपका 2024 में पूरा हो जाएगा। और बच्चे इसी नदी पे आपका जो है आपका इसी नदी पे अरुण नदी पे ही आपका जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है उसका इनॉग्रेशन किया गया है, या फिर इसको लेकर के जो है आपका एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। तो दोनों जो चल रही है अभी योजना वो भी अरुण नदी पे है, और जो जिसके लिए आगे के लिए समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो भी आपके बच्चे इसी नदी पे है, ठीक है। अरुण नदी पे ही आपके जो दो डैम बनाए जाएंगे, एक तो आपका बनने
बनाने के तैयार है, 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? दोनों के दोनों सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है, याद रहेंगे। इतने एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो सतलज जल विद्युत निगम, यहाँ पे बच्चे कंपनी का नाम याद रखिएगा, कौन सी कंपनी को ये एग्रीमेंट, कौन सी कंपनी को जो है आपका ये एग्रीमेंट मिला हुआ है, कौन सी कंपनी को टेंडर मिला है। और दूसरा इस नदी का नाम याद रखिएगा, अरुण नदी, कहाँ पे बहती है? नेपाल में बहती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसे बनाया जाएगा एस जी वी एन एल के द्वारा। अगला एक स्टेट है असम। असम में बच्चे आपका पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनोग्रेशन किया गया है, उसे फ्लैग ऑफ किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? वंदे भारत तो हर जगह ही चल रही है, इसकी खासियत यह है बच्चे कि नॉर्थ ईस्ट की पहली ट्रेन है, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उसमें आपका जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी? वो आपके असम स्टेट में चली थी, ठीक है। ये आपकी असम स्टेट में चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी बच्चे? ये आपकी गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक जो है आपकी ये ट्रेन चली है। और वंदे भारत आपकी बहुत सारी है, सारी को याद नहीं रखना है, बस इसे याद रखिएगा कि आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर पहली वंदे भारत ट्रेन का जो आपका फ्लैग ऑफ कहाँ से किया गया, कौन से स्टेट से किया गया, ठीक है। तो असम से किया गया और जगह कौन कौन सी है? गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच बच्चे आपकी ये चली गई, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। चलिए अब कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। मुझे बताइए कि उड़ान 5.1 के तहत जो है आपका हेलीकॉप्टर सर्विस पे जो है आपका फोकस किया जाएगा, और इसके तहत बच्चे जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो आपकी एयर फेयर है, जो आपका किराया है, उसे कितने परसेंट कम करने की बात की गई है? बताइए जरा, कितना परसेंट जो है रिड्यूस किया गया है हवाई भाड़े को, हवाई किराए को? ट्वेंटी फाइव परसेंट, वेरी गुड। उड़ान 5.1 के तहत, उड़ान का जो 5.1 एडिशन है उसके तहत जो आपका हेलीकॉप्टर सर्विसेज पे जो है फोकस किया जा रहा है, और इसके तहत बच्चे आपके जो एयर फेयर है, जो आपका किराया है, उसे लगभग 25% तक कम किया गया है सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। अगला है आपका एक 11 मेंबर की, 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है चीता प्रोजेक्ट स्टीरियंग कमेटी, ठीक है। ये आपकी कमेटी बनाई गई है किस चीज़ के लिए बच्चे? जो चीता जो नामीबिया से लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में, उनकी जो लगातार जो है मौतें हो रही हैं, उसे देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जो है आपका ये कमेटी बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? NTCA के द्वारा बनाई गई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई है। और आपको ये बताना है कि इस कमेटी को हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? बताइए जरा, किसके द्वारा हेड किया जा रहा है इसे? प्रीति, राजेश, गोपाल, बताओ बताओ। कमेटी का अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा, ठीक है, और इनके नाम से ही कमेटी भी पूछी जा सकती है कि ये जो आपकी फला फला नाम की कमेटी है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसे आपको याद रखना है कि ये आपका प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड है और वहाँ पे बच्चे स्टीयरिंग कमेटी है। नाम क्या है इनका? राजेश गोपाल, ठीक है। तो राजेश समिति या राजेश गोपाल समिति का संबंध आपको याद रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है। आगे है बच्चे, अभी जो है आपका नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो वित्त मंत्री ने इस अवसर पर क्या एक नई चीज लॉन्च की है? बताइए, इस दिन के तहत जो है आपका क्या एक नई चीज लॉन्च की गई है, यह आपको बताना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? 75 रुपीज़ का कॉइन, वेरी गुड। 75 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है, सिक्का जारी किया गया है इस दिन के अवसर को यादगार बनाने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला बच्चे आपको दो चीज़ बतानी है,
एक तो आप मुझे बताइए कि भारत की जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, भारत को यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो जो है प्रतिनिधि करते हैं इंडिया का, उनका नाम बताइएगा, ठीक है, हमारे एम्बेसडर का नाम बताइए। दूसरा आपको बताना है कि अभी हाल ही में इंडिया के दो यूएन पीस कीपर्स को जो है आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया है, उस पुरस्कार का नाम आपको बताना है। और ये पुरस्कार जो है बच्चे, ये आपका सबसे बड़ा मेडल है, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है यूएन के द्वारा उनके पीस कीपर्स को। नाम क्या है इसका? अब नाम तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैमरशोल्ड मेडल, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। और एम्बेसडर का नाम है बच्चे आपका रुचिरा काम्बोज, रुचिरा काम्बोज, रुचिरा काम्बोज इनका नाम है, यूएन में हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पुरस्कार है जो यूएन के पीस कीपर्स को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है, उसका नाम है आपका हैमरशोल्ड मेडल। तो ये दिया गया है बच्चे भारत के दो पीस कीपर्स को, ठीक है, और ये उनके तरफ से जो है लिया है किसने? रुचिरा काम्बोज ने। चलिए अब एसएससी 2022 में आपको प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी दी जाती है। कौन सा आर्टिकल है बच्चे? समान अवसर की गारंटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है? ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो मौलिक अधिकार हैं बच्चे, मौलिक अधिकारों में से आपका एक अधिकार है कि जो नौकरी पाने का अधिकार है वो सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए अवसर समान है। कौन सा है? ध्यान से, ध्यान से, कौन सा आर्टिकल है? उत्कर्ष 16, अवनीश 15, मनदीप 15, ये बच्चे बहुत बेसिक सा टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये रटे हुए होने चाहिए आपको। 15 पे क्या आता है, 16 पे, 17 पे, 18 पे क्या आता है, ठीक है। अभी जो इसका आंसर है, रोजगार का जो समान अवसर है वो हमें देता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है आपका, ये गारंटी देता है कि सभी लोगों को जो है आपका रोजगार मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो सबसे पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल जो राइट है उनमें जो सबसे पहला आपका अधिकार आता है उसे हम इक्वलिटी टू, राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, ठीक है, समानता का अधिकार कहा जाता है इसे। और ये समानता का अधिकार आपका कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है आपका ये सारे के सारे आर्टिकल आते हैं। इनमें से सबसे पहले बच्चे देखिए आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है आपका वो है कानून के समक्ष समाप्ता समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है आपका कानून से बड़ा नहीं है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। सबसे बड़ा कानून है और यहाँ पे जो है आपका वो आपका रूल चलता है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, मतलब कि किसका रूल चलता है यहाँ पे, किसका शासन चलता है यहाँ पे, विधि का शासन चलता है, कानून का शासन चलता है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता आता है आपका आर्टिकल 14 में। उसके बाद है आर्टिकल 15, भेदभाव का निषेध। हमारे देश में आर्टिकल 15 किसी भी आधार पर, जाति, लिंग, धर्म, आपका जन्म के स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, और जो करेगा उसे जो है आपका पनिश किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में है आपका भेदभाव का निषेध। उसके बाद है बच्चे 16, 16 आपका जो अभी हमने पढ़ा, रोजगार में अवसरों की समानता। अगर वैकेंसी आई है तो उसमें सभी लोग जो है आपका क्या कर सकते हैं, जो है
उसे भर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आपके पास में योग्यता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता जो है आर्टिकल 16 देता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पष्टता का उन्मूलन, मतलब कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पे क्या करती है, इसे बैन किया जाता है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, अस्पष्टता का उन्मूलन ये आता है आपका अनुच्छेद 17 में। उसके बाद है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, इसमें आता है उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। जो आपकी एकेडमिक उपाधियां हैं, जैसे कि पीएचडी हो गया, जैसे कि डॉक्टरेट हो गया, डॉक्टर हो गया, ये और या फिर सरकार के द्वारा जो भारत रत्न पद्म विभूषण दिया जाता है, उनके अलावा बचे कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। उपाधियों का उन्मूलन आता है आपका आर्टिकल 18 में, ठीक है। तो ये जो है आपके समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, 14 से 18 तक आते हैं। और 14 से 18 जो है आपका कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। 14 को याद रखिएगा, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, सबसे बड़ा कानून है और सभी के लिए आपका बराबर है। उसके बाद है आर्टिकल 15 जो है यहाँ पे किसी भी आधार पर, लिंग रंग कुछ भी हो गया आपका, उसके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसमें जो है अवसरों की समानता होगी, सभी लोग जो है उसमें क्या कर सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। उसके बाद है 17 में बच्चे आपका हटाया गया है, किस चीज़ को हटाया गया है, एबोलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को, ठीक है, जो आपका अस्पृश्यता है उसे क्या किया गया है, एबोलिश किया गया है। आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, इसमें भी एक चीज को बैन किया गया है, वो है उपाधियां, टाइटल। पहले आपका राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, एक राट, एक छत्र, बहुत सारी उपाधियां होती थी राजाओं की अपनी अपनी, तो उन्हें जो है आपका समाप्त किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, ओनली गुजरात लैंग्वेज, चलिए तो इन आर्टिकल्स को याद रखिएगा, 14 से 18 तक कौन कौन सी समानताएं आती हैं, कौन कौन सी प्रकार की इक्वलिटी दी गई है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में बच्चे ये आपका अप्रैल के महीने में हमने कुछ किताबें पढ़ी थी, ठीक है, किताबों के नाम पढ़े थे, तो उसके राइटर जो है एक बार दोबारा से उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आपका है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये जो आपकी बुक है इसे लिखा है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ठीक है। ये बच्चे आपके जो संप्रदाय, ये आपकी बुक लिखी है किसने, पीयूष बोबली, किसने लिखी है बच्चे, पीयूष बोबली के द्वारा इसे लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। अगली जो बुक है वो है आपकी कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडियन, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ठीक है, कोटिंग इंडिया, बस इतना याद रखिएगा, कोटिंग इंडिया, ये बुक लिखी है नंदिनी दास ने, किसने लिखी है, नंदिनी दास ने। अगली बुक है आपकी सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, ठीक है, तो सचिन एट द रेट 50 इतना याद रखिएगा, ये किसने लिखी है बच्चे, ये लिखी है बोरिया मजुमदार ने, किसने लिखी है, बोरिया मजुमदार ने। अगली बुक है आपकी अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष बहुत फेमस राइटर है, इनकी किताब का नाम सारी भूल जाना, ये मत भूलना, ठीक है, स्मोक एंड एसेस, इसे याद रखिएगा, स्मोक एंड एसेस, ये किसने लिखी है बच्चे, ये लिखी है अमिताभ घोष ने, अमिताभ घोष की नई बुक है ये स्मोक एंड एसेस, ठीक है। अगला है आपका एक पत्रिका, एक मैगजीन जो है लॉन्च की गई है हाल ही में, किसके द्वारा, फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा बच्चे आपकी एक किताब लॉन्च की गई है और इसे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, किताब का नाम है रिफ्लेक्शंस, ठीक है, रिफ्लेक्शंस, तो इसे भी याद रखिएगा। और SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है SBI, ठीक है, तो SBI के द्वारा जो है आपका एक बुक लॉन्च की गई है, बुक का नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। तो ये बच्चे इनके क्या होता है, एनुअल एडिशन होती है, एनुअल आपकी मैगजीन होती है, बैंकों के द्वारा अपनी रिलीज की जाती हैं, तो RBI की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे SBI के द्वारा लॉन्च की गई, तो SBI RBI के बाहर अगर कोई बैंक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी खबरें आपको पढ़नी है, वो SBI ही है, ठीक है। तो SBI के द्वारा जो है आपका एक टेबल बुक जो है लॉन्च की गई है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, इसे याद रखिएगा, SBI ने लॉन्च किया है। हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है रिफ्लेक्शंस, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो है आपकी
इंडिविजुअल बुक है, इन्हें जो है आपका अमिताभ घोष की याद रखना है। अमिताभ घोष की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और रिसेंट बुक है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्मोक एंड एसेज इनकी बुक याद रखिएगा। सचिन एट द रेट, इसे लिखा है बोरिया मजूमदार ने। कोटिंग इंडिया, इसे लिखा है नंदिनी दास ने। और गांधी पे जो किताब लिखी है, गांधी सियासत और संप्रदाय, ये लिखी है पीयूष बॉबले ने, ठीक है। तो इतनी किताबें जो है आपको याद रखनी, याद रहेंगी, आप दो तीन बार पढ़िएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में रखना है। चार ऑप्शन आएंगे, अपने आप आपका माइंड जो है आंसर की तरफ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चे आपका आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी, बहुत पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, आंसर करिए फटाफट। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया था, बताइए कौन सी जगह है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरला, बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या केरला, विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर का मतलब क्या है बच्चे, रोड के किनारे जो आपके क्रैश बैरियर लगते हैं ना, वो जो है आपका बैम्बू से बना हुआ है, बांस से बना हुआ है, ये कहाँ पर बनाया गया है, वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है, इसे बनाया गया है महाराष्ट्र में, कहाँ पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला है आपका 2023 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, बताइए जरा, पर कैपिटा इनकम, इंडिया में पर कैपिटा इनकम बताना है आपको एज ऑफ 2023 कितनी हो गई है पर कैपिटा इनकम इंडिया के अंदर। अविनाश ऑप्शन नंबर बी 2.72 लाख, ऑप्शन नंबर ए 1.72, उत्कर्ष वेरी गुड 1.72 लाख बच्चे, ठीक है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग बताएं, अब 2023 लिखा हुआ तो मतलब पिछला जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2022-2023, इसमें जो है आपका ये काउंट किया गया होगा, तो 1.72 लाख जो है आपकी इंडिया की प्रति व्यक्ति आय निकल करके आई है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकल करके आई है, ठीक है। अगला है, किस राज्य में मोईदाम के रूप में जानी जाने वाली पिरामिड जैसी संरचना है, जिसे कि यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र की सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, और इसे जो है आपका नॉमिनेट किया गया है बच्चे मोईदाम को विश्व विरासत की सूची में आपका शामिल करने के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में है, असम में है, सिक्किम में है, केरला में है, गुजरात में है, कहाँ पर है। वेरी गुड, कहाँ पे ये आपका असम से रिलेटेड है बच्चे मोईदम, ठीक है, और उत्कर्ष रिलेटेड टू अहोम किंगडम, वेरी गुड। इन्हें बच्चे आपका ये एक्चुअल में क्या है आपके, ये कब्रें हैं, ठीक है, ये क्या है, कब्रें हैं, तो इन्हें जो है आपका बड़े ही आर्किटेक्चर तरीके से जो है बनाया गया है, अहोम किंगडम के जो यहाँ पे अहोम किंगडम के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था उनसे रिलेटेड इन्हें माना जाता है, ये आपके असम में है, और इन्हें हाल ही में बच्चे आपका क्या करने के लिए विश्व विरासत की जो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसे शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य ने किलाड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया है जो कि संगम युग के दौरान प्राचीन तमिलों के जीवन का प्रमाण है, बताइए, किलाड़ी संग्रहालय, किलाड़ी म्यूजियम बच्चे, ये कौन से स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, हरियाणा में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर केरला में, कौन से स्टेट है, कौन से स्टेट है, कौन से राज्य में जो है आपका एक म्यूजियम जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है किलाड़ी के नाम से, और बच्चे इसका संबंध कौन से युग से है, ये हिस्ट्री के कौन से पीरियड से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका संगम युग से, ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है, संगम युग से, कौन से स्टेट है आपका ये, तमिलनाडु, वेरी गुड, तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है, तमिलनाडु में जो है आपका एंशियंट जो आपका पीरियड में, एंशियंट पीरियड में यहाँ पे एक संगम काल था, संगम पीरियड था, उससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो याद रखिएगा। इंटरनेशनल बायो रिसर्च कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023, इसका आयोजन इंडिया में कौन से शहर में किया गया था, बताइए। इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस बच्चे, ये जो आपका एक सम्मेलन है, ये आपका जो है समिट है, और इसका जो है आयोजन भारत के एक शहर में किया गया था, आपको शहर का नाम बताना है, कौन सी जगह है ये, बायो रिसोर्स से रिलेटेड बच्चे आपका ये सम्मेलन है,
इम्फाल, उत्कर्ष, वेरी गुड। इसे आपका आयोजित किया गया था इम्फाल में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? इम्फाल में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, याद रखिएगा। किस देश ने 2023 में रक्षा खर्च में 7.2% की बढ़ोतरी कर 225 बिलियन डॉलर करने की घोषणा की है? बताइए, अपने बचे रक्षा खर्चे में, अपने जो आपका डिफेंस रिलेटेड जो आपका खर्चा होता है, स्पेंडिंग्स होता है, उसमें लगभग 7.2% का हाइक, बढ़ोतरी कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है? कौन सी कंट्री है? मुझे ये बताइए कि जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो उसमें आपका सबसे पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है? जैसे हम बजट निकालते हैं, तो बजट में जो है एक हिस्सा जो है आपका डिफेंस से रिलेटेड होता है, हालांकि उसे बजट में नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन बच्चे हर एक कंट्री जो है इस तरीके से अपना जो स्पेंडिंग है, अपनी जो आय का कुछ हिस्सा है, वो अपनी डिफेंस के लिए रखती है, ठीक है, रक्षा के लिए रखती है। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट कौन सी कंट्री का है? यूएसए, वेरी गुड। पहले नंबर पे तो आपका यूएसए है, ठीक है। और ये कौन सा कंट्री है जिन्होंने अभी हाइक करने की बात की है, 7.2 करने की बात की है? ये है बच्चे आपका चाइना, ठीक है। ऑलरेडी चाइना का बहुत ज़्यादा है, तो इनकी आपस में चलती रहती है, चाइना की और यूएस की, ठीक है। तो चाइना ने जो है अनाउंसमेंट किया है, इनका जो आपका रक्षा बजट है, रक्षा डिफेंस स्पेंडिंग है, उसे हाइक करने की, 7.2% बढ़ाने की। अगला है आपका एडवांटेज आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में आंध्र प्रदेश को कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? बताइए जरा। अभी बच्चे आपका क्या किया गया था, हर एक लगभग अभी तो जब से स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है, इसके बाद से बच्चे आपका क्या होता है, जो बड़े बड़े सिटी होते हैं, शहर होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट समिट अभी हाल ही में यूपी के कौन से शहर में हुआ है, ये मुझे बताएंगे उत्कर्ष। यूपी में कौन से शहर में आपका इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है? ये इन्वेस्टमेंट समिट बच्चे किस लिए किए जाते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने के लिए, अपने स्टेट में जो है पैसा लाने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो है आपका इन्वेस्टमेंट समिट होता है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इस समिट का जो रिजल्ट आया है, लगभग कितने रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है आंध्रा को, ये आपको पूछा है। लखनऊ, वेरी गुड। यूपी में तो अभी बच्चे हाल ही में लखनऊ में हुआ है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, जिसमें कि आंध्र को 13 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। अमाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा, समिट आपका, इन्वेस्टमेंट समिट आपका हाल ही में कहाँ पे हुआ था? आंध्रा, आंध्रा के बाद आपका लखनऊ में हुआ था ये। तो ऐसे होते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो निवेशक है, पैसा लगाने वाली, जो पैसा वाली पार्टी है, उसे जो है आकर्षित किया जाता है कि आप आइए हमारे शहर में, कुछ बनाइए, ठीक है, ऐसा। तो हाल ही में दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो कौन से शहर में शुरू किया गया है? बताइए, सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो कौन से शहर में शुरू किया गया? चेन्नई में, लखनऊ में, अजमेर में, बेंगलुरु में? अब देखिए, गुजरात नहीं है बच्चे यहाँ पे, नहीं तो सेमिकॉन का जो सबसे क्या कहेंगे, इसके सबसे क्लोज जो रिलेशन है वो गुजरात के साथ में है, तो इसमें गुजरात का ऑप्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, सेमिकॉन इंडिया, इसका बच्चे आपका क्या हुआ, एक रोड शो हुआ, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है, इन शहरों में से कौन से शहर में हुआ, कौन से शहर में हुआ था ये? ये हुआ था आपका बेंगलोर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर को लेके बच्चे आपका बहुत चर्चाएं हैं, सेमीकंडक्टर को लेके, चाहे आप बिजनेस ट्रीटी में देख लीजिए, चाहे आप एग्रीमेंट में देख लीजिए, चाहे हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट में देख लें, तो सेमीकंडक्टर को लेके जो है आपके बहुत सारी न्यूज़ हैं। तो सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो, इसे जो है आपका कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, ठीक है, बेंगलोर। अगला है आपका सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्री किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्री बच्चे किसके द्वारा जीता गया है? आपको ड्राइवर का नाम बताना है, खिलाड़ी का नाम बताना है, किसने जीता है ये? बहरीन ग्रैंड प्री, किसने जीता है ये? मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन,
लगभग फॉर्मूला वन की सारी रेस जो है यही जीतते हैं, पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे और इस बार भी लगातार जीते रहे, तो इस बार भी हो सकता है कि यही बन जाए आपके दोबारा से मैक्स वर्स्टेपन। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से शहर में शुरू हुआ है, बताइए। हो चुका है ये, आपको बताना है कहाँ पे हुआ है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज बिगिन, कहाँ पे हुआ है ये, मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में या फिर मेरठ में, बताइए। अच्छा, मैक्स वर्स्टेपन जो है खिलाड़ी, जो बच्चे आपके फॉर्मूला वन, ठीक है, कार रेसिंग के आपके खिलाड़ी हैं, आपको मुझे ये बता दीजिए कि ये कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, बताइए कौन सी कंपनी के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टेपन बहुत फेमस प्लेयर हैं, पिछली बार के बच्चे वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, दोबारा बनने को तैयार हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा रेस इन्होंने ही जीत ली है इस साल भी, ठीक है। तो बताइए ये कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, कौन सी टीम के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टेपन। ये आपका कहाँ पे हुआ है, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, वेरी गुड। नीदरलैंड से नहीं, कंट्री का नाम नहीं पूछा है मैंने, इनके बच्चे कंट्री का नाम नहीं पूछा जाता है कार ड्राइवर्स का, इनके पूछा जाता है कौन सी कंपनी के ड्राइवर है, कार की कंपनी जो है ना उनके आपके नाम आएंगे या कंपनीज के नाम आएंगे। रेडबुल, वेरी गुड। रेडबुल के लिए आपके ड्राइविंग करते हैं मैक्स वर्स्टेपन, और इस बार का जो बहरीन अभी ग्रैंड प्री हुआ था वो भी इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहाँ पे हमारी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे कहाँ पे मिलेगी, लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन MIE का है, वहाँ पे आपको मिलेगी। और एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, उसे तो सुनते जाइए। इन्फॉर्मेशन ये है बच्चे कि आपकी है 4 दिनों की छुट्टियाँ, ठीक है, कल से आपकी क्लास नहीं होगी करेंट अफेयर की, अगले 4 दिनों तक हम मिलेंगे डायरेक्ट सोमवार को, मंडे को मिलेंगे, लेकिन तब तक बच्चे आपके जो डेली बेसिस पे जो खबरें आएंगी वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में दी जाएंगी, और PDF जो है आपकी वो डेली बेसिस पे अपलोड होती रहेंगी, उसमें जो है आपकी डेली की खबरें होंगी, ठीक है। सिर्फ डेली खबरें होंगी, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो तो जब उसका इंटरेक्शन में करके ही उसमें अच्छा रहता है, ठीक है, चाहे वो रिवीजन हो या फिर हम SSC का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो आपका ऐसा ही होगा, सेशन में ही वो पॉसिबल है, उसे PDF के माध्यम से देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो अभी जो है बच्चे जो डेली की जो न्यूज़ होंगी वो कम से कम आपके तक पहुँचाई जाएंगी हमारी PDF के जरिए, और हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं रोज़ अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। तो 4 दिन की आपकी क्लासे जो है बंद रहेंगी, ठीक है, 4 दिनों की छुट्टी। मज़े नहीं करने हैं आपको, पढ़ना है, ठीक है, जो जिस भी मोड से आप तक इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और तब तक आप जा सकते हैं इधर उधर देख लीजिएगा, करंट अफेयर छोड़ना मत, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद में, फिर मिलेंगे अगले सोमवार को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।